हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के दिन में दो वीडियो यहां पर आ चुके हैं इन दोनों वीडियो को जाके देख लीजिए अच्छे खासे पैसे यहां पर बनते हुए नजर आएंगे इन दोनों वीडियोस के में एज वेल एज बात करें आज की डेट की तो इसमें आपने थंबनेल में देख लिया कि किन स्टॉक्स से रेटी बात करने वाले हम अगेन बात करने वाले केमिकल स्टॉक्स से की अगर मैं बात करूं तो देखिए उसका फ्यूचर काफी बेहतरीन है और 2025 तक आने वाले अगर हम बात करें तीन से चार साल यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है ना वो थ्री टाइम्स होती हुई नजर आ रही है ओके तो जैसे कि आर्टिकल्स में आ रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी है और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से बूम अभी आया था ना और और एक अच्छी खासी गिरावट जो हो चुकी है अब यहाँ से ऊपर जाती हुई चीजें नजर आती है बट कुछ बेहतरीन स्टॉक्स है जिनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूं जो कि आपने यहाँ पर देख लिया है एक बेहतरीन लेवल पर आ गया और यहाँ से पैसा आपका 20 परसेंट तीस परसेंट और इवन 50 परसेंट भी बनता हुआ नजर आएगा अगर आप थोड़ा सा उसे टाइम देंगे तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है लॉन्ग टर्म पर्पज से रखना है वो आपकी मर्जी है आई कम्प्लीटली अप टू यू बट अगर हम बात करें यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा और सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी के पास ऊपर लेवल पर भी है तो वहां पर से नीचे लेवल पर अगर आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करके या एवरेज करने की कोशिश करेंगे या एस मोड पर पैसा डालने कोशिश करेंगे तो अच्छा एक विकल्प रहेगा जो कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके okay, आपके सपोर्ट की वजह से आपको केवल एक लाइक देना है वीडियोस पे आपको वीडियोस को शेयर करना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना है बस ये ही आपसे मांगा जाता है ओके आप यहाँ पर ये यह काम करिए यहाँ पर जितनी मेहनत हमसे हो पाएगी और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करते हैं जो हमेशा करते रहेंगे बट यहाँ पर आप हमें सपोर्ट करिए आप सपोर्ट करेंगे हमारा चैनल ग्रो करेगा और भी लोग यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे ओके और जितना हमारा चैनल ग्रो करेगा आप सभी को फायदा होता हुआ नजर आएगा तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अगर हम से करना है ये है ये नंबर हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं कुछ स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे एक एक करके और जानेंगे उस केमिकल स्टॉक से रिलेटेड जो कि हम यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले बात करेंगे मेघमानी फिन मेघमानी फिल्म कैंप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर काफी बेहतरीन स्टॉक्स बताने की जरूरत ही नहीं है काफी बार यहां पर स्टॉक्स से रिलेटेड बातें भी करी है जब ये ये होता हुआ हुआ नजर आया था ये हुआ, था स्टॉक्स आता दिखाई दिया अभी के अभी आया था उसके बाद ही वीडियो बना दिया था और यहाँ पर अगर देखे तो नौ तक की रैली ली साढ़े नौ उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है तो क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं तो उससे रिलेटेड बातें तो यहाँ पर खरीदना चाहिए क्यों खरीदना चाहिए नंबर सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन हाइएस्ट एवस नेट प्रॉफिट हाईएस्ट हाइएस्ट एवं पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस और ये नंबर जब आए थे ना इसी नंबर को मार्केट ने अप्रिशिएट किया था शेयर फिर भागता हुआ नजर आया था तो जब मार्केट ने अप्रिशिएट कर दिया और जस्ट बिकॉज ऑफ पर गिरावट है ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है तो जब मार्केट रिकवर होगी तो याद रखिएगा दिस इज द शेयर ओके जो यहाँ पर सबसे ज्यादा भागता हुआ दिखाई देगा तो ऐसे ही कंपनी को यहाँ पर चुनना है आपको कंसोलिडेट नंबर भी देखेंगे सेम यहाँ पर वही नजर आ रहा है ईयर और यहाँ पर बात करते कंपनी का यहां पर

58% का अपसाइड यहाँ पर साफ नजर आता है कि 58% तक के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे यहां पर गिरावट की बात करें अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो ली है ओके okay, कंपनी यहाँ पर 4% नीचे आ गई है और सपोर्ट की बात करें तो देखिए एक बार यहां पर सपोर्ट एक बार यहाँ पर सपोर्ट बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और पहले से पहले यहाँ पर कंपनी क्या कर रही थी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी अपर सर्किट में यहाँ पर कंपनी की बात करें अच्छा खासा यहां पर गिर चुका है आर एस आई की बात करें ट्वेंटी एट की आर एस आई पे आ गया है थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है और अगर गिरावट होती है तो बाई ऑन डिप

फिर भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया ऊपर हुआ दिखाई दिया बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग ओके जो एफ की तरफ से हुई है ये शेयर दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप कह देंगे डेट की बात करें डेट फ्री कंपनी है बीस और चौथ सत्रह पैस का यहाँ पर आर है लंबे टाइम के लिए दिस इज द बेस्ट स्टॉक याद रखिएगा ये शेयर आपको अच्छे खासे मल्टी बैगर तो आपने सुना होगा ना कि पचास हजार लगा दिए एक करोड़ बन गया मेरा बीस साल में तो ये वो स्टॉक्स है कि आपने पचास हजार लगा दिए और दस पंद्रह बीस साल दिए तो यहाँ पर करोड़पति बन गए तो ये वो स्टॉक्स में गिनती होती है बाई एंड डिप्स करने की रणनीति आप अपनाइएगा यहाँ पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर ईयरली बेसिस पर वो देख सकते हैं पांच साल में कंपनी डबल नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं हाइस्ट डबल नेट प्रॉफिट इसके अलावा रिजर्व बढ़ बड़ बढ़ रहे बॉडिंग यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर दो सौ छिहत्तर रुपए दो सौ छिहत्तर करोड़ रुपए यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में लगे हुए हैं जो भी पैसा आता है बुक में और यहाँ पर एफ आई सी होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है डीआईस की कम हुई है बट जो भी कम हुई है वो बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर खरीद लिया याद है याद रखिएगा और यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग सबके पास यहाँ पर नजर आती है प्रोमोटर्स के पास भी और सबके पास भी है यहाँ पर बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जितनी गिरावट होनी थी होली अगर और भी ज्यादा गिरावट होगी मुझे नहीं लगता ज्यादा यहाँ पर गिरावट होगी क्योंकि अच्छा खासा पैसा मार्केट में निकल चुका है अगर कुछ कोविड से रिलेटेड आता है तब एक सेलिंग आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता अदरवाइज पर आ, यहां पर एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है आ, अपर लेवल पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया था सेम यहाँ पर सपोर्ट अभी यहाँ पर नजर आ रहा है फिर भी अगर तो ये शेयर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये शेयर अभी भी चालीस पचास रुपए यहाँ पर करेक्ट हो सकता है और ये करेक्ट होकर नीचे आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा बात करें फिफ्टी सेवन परसेंट पर रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा कंसोलिडेट तो करेगा उसके बाद ऊपर जाएगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक की यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसके बाद हम बात करेंगे दो कंपनी से रिलेटेड जो की एलका ये शेयर या तो चलते नहीं है ओके okay, और जब ये चलना शुरू करते हैं तो मल्टी बैगर रिटर्न छह रुपए और जब भागा है, तो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है जब भी टू हंड्रेड डीएमए के आसपास आती है मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ऐसी चीजों को तो यहाँ पर खरीद लेना चाहिए यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए जहाँ पर आपको एक सेफ्टी ऑफ रिस्क भी यहाँ पर लगे और यहाँ पर बात करें सेल्स की तो कंपनी के जो सेल्स है यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट पे असर हुआ है बट कंपनी काफी बेहतरीन है कंपनी पर नंबर वन है। का जो है ग्रोथ देख सकते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है कि दस सात गुना यहाँ पर कंपनी होती हुई दिखाई दी है दस साल के अंदर अंदर सेल्स में नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए थर्टी टाइम्स यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है रिजल्ट बढ़ते हुए नजर आए तो ये सारी की सारी बता, चीजें बताती है कंपनी कितनी बेहतरीन है यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है और जो यहाँ पर कम हुई है ओके okay, इसमें यहाँ पर एफ की बात करें एफ ने यहाँ पर रिश्तेदारी बढ़ा दी है डीआईए ने यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ा दी है यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक की हिस्सेदारी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ट्वेंटी फोर परसेंट की हिस्सेदारी है और यहाँ पर एलकाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए कंपनी का जो ये शेयर है काफी बेहतरीन लेवल पर यहाँ पर चल रहा है ओके थर्टी थ्री के आर पे चल रहा है गिरावट देखिए आज हुई थी अच्छी खासी फिर उसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी फिर भी यहाँ पर चार साढ़े आज की डेट में गिरा है यहाँ पर अगर मैं आपको देखू तो देखिए एक अच्छी खासी गिरावट होनी थी वो यहाँ पर हो चुकी है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखे तो एक सपोर्ट बनाती हुई नजर आ रही है पहले भी पर सपोर्ट लिया था सेम यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है चीजें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा यहाँ पर चीजें गिरेगी और अगर फिर गिरती है तो यहाँ पर फिर टारगेट यहीं पर ही नजर आता है कि ये शेयर फिर पच्चीस सौ रुपए से पहले नहीं रुकने वाला बट यहाँ पर से मुझे नहीं लगता कि चीजें गिरेगी यहाँ पर से चीजें ऊपर जानी चाहिए फिफ्टी परसेंट का अपसाइड यहां पर से नजर आ रहा है फिर भी अगर गिरती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए एक एक दो दो शेयर यहाँ पर पांच पांच शेयर दस दस शेयर जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑन करते रहिए इसके अलावा हम इसी कंपनी से रिलेटेड बातें करेंगे एक और इसकी दिग्गज कंपनी है बायोलॉजी एम ओके तो ये लार्ज यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी नजर आती है बट अगर हम बात करें एलका एल की तो एलका एल हमारी पर देखते हैं तो ये मिड कैप कंपनी है बालाजी एम आइंस लार्ज कंपनी है तो ये इसी वजह से यहाँ पर देखिए तो ये हजार रुपए थी गिरना है, तो डेट की बात करें सोलह परसेंट का डेट है बावन सौ रुपये से तीन हजार रुपये शेयर चल रहा है मतलब बाईसो रुपये करेक्ट हो चुका है याद रखिये बाईस सौ ये शेयर करेक्ट हो चुका है टू हंड्रेड डीएमए के आसपास ये शेयर चल रहा है सेम स्टोरी इसकी भी जब नहीं चलता तो नहीं चलता भागता है तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से शेयर यहाँ पर भागता है यहाँ पर ग्रोथ की बात करें कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखिए हाईएस्ट लेवर आई है कंपनी का प्रॉफिट पे असर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे एफआईएस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा लिया है देखिए यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग एफआई डीएस ने बढ़ा ली है और यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा ली है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास से हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए बालाजी एम काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है इस लेवल पर बालाजी अमाइंस यहाँ पर अच्छा खासा गिर भी चुका है ओके ने मुझे नहीं लगता होती हुई नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर अपर लेवल पर सपोर्ट नीचे लेवल पर यहाँ पर देखिए यही सपोर्ट नीचे लेवल पर दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा एक और शेयर की हम बात करेंगे तो यहाँ परिना विनाती ऑर्गेनिक विनाती ऑर्गेनिक की बात करूं तो देखिये लार्ज कैप कंपनी है काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पर इसके जो रिजल्ट है ना यहाँ पर रिजल्ट हाईएस्ट आते हुए दिखाई दिए ये देखिए क्वार्टरली लिक बेस पे कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा अच्छा दिखाई देता है रिजर्व अच्छे खास है डेट फ्री कंपनी है एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है डीएस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पर जो पब्लिक से यहाँ पर शेयर यहाँ पर खरीदे जाते हैं जब भी पब्लिक से शेयर खरीदे जाते हैं याद रखिए कि यहाँ पर शेयर को यहाँ पर ऊपर भाग नहीं है विनाती की अगर हम बात करें विनाती ऑर्गेनिक तो यहाँ पर काफी बेहतरीन कंसोलिडेशन कर चुका है यह शेयर यहां पर अगर देखे एक सपोर्ट और यहां पर यही शेयर कब चल रहा था यहां पर तेईस जून पर ये यह शेयर यहां पर चल रहा था एक बेहतरीन सपोर्ट पर शेयर आ चुका है याद रखिए कभी भी यहाँ पर चीजें ऊपर निकलती हुई दिखाई दे सकती है पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है चीजें ऊपर निकलेगी तो यहाँ पर इक्कीस का पहला टारगेट फिर उसके बाद चीजें और भी हुई दिखाई देगी ज्यादा नहीं भागती है चीजें बट जब भागती है तो अच्छा खासा भागती है याद रखिएगा ये ग्रोथ आप देख सकते हैं पैसा यहाँ पर एक डेढ़ एक साल के अंदर अंदर डबल करती हुई दिखाई दी है तो देनाती हो गया इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और सॉरी और भी दो तीन कंपनी है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे जो की है यहाँ पर गुजरात एलक्स गुजरात एल्कलीस की बात करेंगे देखिए कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है आर ओ सी आर ओ ही कोई बेहतरीन नहीं है डेट फ्री कंपनी यहाँ पर नजर आती है बट यहाँ पर जो इसके रिजल्ट है ना वो सबसे बेहतरीन है यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे जो रिजल्ट आए हैं ना हाईएस्ट एवर रिजल्ट आए कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी है कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा है एफ आई डी एस एफ आई ने होल्डिंग बढ़ाई है डी एस ने कम करी है प्रोमोटर्स का एज इट इज बने हुए हैं और यहाँ पर पब्लिक के पास भी शेयर थोड़े से बड़े हैं पर पचास में से अगर बात करें पच्चीस छब्बीस परसेंट की होल्डिंग यहाँ निकाल देते हैं पच्चीस परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है तो यहाँ पर गुजरात अगर मैं बात करूं तो ये शेयर काफी बेहतरीन लेवल पर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं बयालीस परसेंट के अपसाइड नजर आ रहा है बट थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट और हो सकती है अगर होती है तो पांच सौ सत्तर रुपए के आसपास होती है तो यहाँ पर बायोन डिप्स की रणनीति दोबारा अपनाइए ओके okay, यहाँ पर ये शेयर अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है यही कंपनी यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी अगेन मैं कह रहा हूँ ये शेयर रिजल्ट आए थे मार्केट ने अप्रिशिएट किया था अगेन ये दोबारा यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाएगा इनके शेयर को दीपक नाइट्रेट की बात करें लार्ज कैप कंपनी है डेट फ्री कंपनी है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस यहाँ पर इनके प्रॉफिट पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है बट स्टिल कंपनी काफी बेहतरीन है यहाँ पर एफ की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है डीएस की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है प्रमोटर्स की एज इट इज है पब्लिक की बात करें

आज के वॉल्यूम लाख लाख शेयर ग्यार, ग्यार शेयर, शेयर, शेयर तो लगभग पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना जितना हो सके सपोर्ट करना हमसे कॉन्टैक्ट करनाटैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं